मैं रावण, मैं लंकेश, मैं दशानन, चाहे जो कह लो, आज फिर तुम मुझे जलाओगे। पल भर की खुशियां घर आंगन में मनाओगे, मगर क्या तुम्हारे ऐसा करने से मैं मर जाता हूं? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मानव नहीं है जिसमें मैं मौजूद नहीं। मैं तुम सब में विराजमान हूं, मैं अमर हूं, मैं महान हूं। अगर मेरी मृत्यु संभव होती तो मैं श्री राम के हाथों ही मुक्ति पा जाता, मगर ऐसा नहीं हो सका। मैं तो जिंदा रहा तुम सब में, मगर तुम सब में कोई राम ना हो सका। और हो भी कैसे, कोई सीता भी तो नहीं हुई जिसके लिए कोई राम पुनः जन्म ले। हाँ, मैं हर बार मरा, हर बार एक नया जन्म लेता रहा, कभी गरीबी के रूप में, कभी अत्याचार के रूप में, कभी भुखमरी के रूप में, तो कभी भ्रष्टाचार के रूप में। तुम हर बार मुझे जलाते हो, कभी असत्य पर सत्य की विजय के नाम पर, कभी बुराई पर अच्छाई की जीत के नाम पर, और समझते हो कि बुराई का अंत हो गया, लेकिन यह तो तुम्हारा भ्रम मात्र है। तुम समझते हो कि तुमने मुझे जला डाला, मगर नहीं, मैं रावण तो जिंदा रहता हूं तुम सब में, तुम्हारे आसपास। पहले तो मेरे सिर्फ 10 ही सिर थे, मगर अब तो अनगिनत हैं। तुम सब एक दूसरे में झांक कर देखो, एक दूजे में मुझको ढूंढ कर देखो, मैं तुम सबको तुम सब में ही मिल जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रावण सब में होता है। मैं झूठ में, मैं बुराई में, मैं दोष में, मैं अधर्म में, मैं लालच में, मैं क्लेश में, मैं आज भी जिंदा हूं। हाँ, मैं रावण, मैं लंकेश, मैं दशानन, चाहे जो कह लो, मैं आज भी जिंदा हूं, मैं आज भी जिंदा हूं। हाँ, अगर सच में मुझे मारना है तो पहले खुद में बसे मेरे अनगिनत रूप को मारो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा। खत्म करना है तो मन में छिपे रावण को खत्म करो, तन रूपी रावण स्वयं ही खत्म हो जाएगा। और सच कहूं तो अनंत काल से मैं स्वयं मोक्ष की तलाश में हूं, और हर पल यही सोचता हूं, मैं जिंदा हूं तो क्यों जिंदा हूं। हर क्षण बस यही चाहता हूं किसी तरह मेरा अंत हो जाए, जला डालो पूर्णतः मुझे, मगर ऐसा तभी संभव है जब तुम स्वच्छ मन से आ गया हो। मुझको जलाने से पहले तुम खुद पहले राम बनकर दिखाओ, तुम खुद पहले राम बनकर दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।